Hey, what's up guys, we are back with a new video. तो guys, Nothing Company ने यहाँ पे एक नया OTA update यहाँ पे push किया है हमारे Nothing Phone Duo के लिए, जो basically रहने वाला है Nothing OS 2.5.5. और ये update काफी यहाँ पे new feature यहाँ पे add on करने वाला है specifically अभी Nothing Phone Duo users के लिए. मैं इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ. तो guys, फिर से कोई यहाँ पे notification आपको अगर नहीं मिला हो आपके Nothing Phone Duo के लिए इस अपडेट के बारे में, सिंपल क्या करिए, यहाँ पे सेटिंग्स पे चले जाइए एंड उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना एंड सिस्टम पे टैप करना एंड सिस्टम अपडेट पर. वैसे यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन तो आ चुका है Nothing OS 2.5.5 अपडेट का, तो यहाँ पे भी टाइप करूंगा तो मैं सिंपल डायरेक्टली वो वाली स्क्रीन पे चला जाऊंगा और इस आप लोग सिस्टम अपडेट पे टाइप कर दीजिए. तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ. तो गाइस यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे सिंपल पहले चेक बोर्ड अपडेट पे टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे पेज पे स्क्रीन शो हो जाएगा जिसमें यहाँ पे देखिए चेंज लॉग में काफी चीजें मेंशन की गई है. तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे देखिए ChatGPT इंटीग्रेशन एड ऑन किया गया है, जिसमें यहाँ पे देखिए अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे 1, 2, 3 तीन पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. उसके बाद यहाँ पे मोर फीचर्स में कैमरा में यहाँ पे देखिए अल्ट्रा HDR का ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया गया है. और भी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, HDR सीरीज रिलेटेड, रैम बूस्टर फीचर, रिंग मोड एंड रिकॉर्डर विजेट. और उसके बाद यहाँ पे इम्प्रूव एंड बग फीचर्स में यहाँ पे काफी चीजें यहाँ पे इम्प्रूव की गई हैं और यहाँ पे बग फिक्स भी किए गए हैं. तो इस बारे में आपको इस वीडियो में आप लोगों को ओवरऑल बताने वाला हूं. तो गाइस सबसे पहले क्या करते हैं, इस अपडेट को इंस्टॉल कर लेते हैं. वैसे अपडेट साइज देखने को मिलने वाला है 206 MB. तो कितना समय लगता है इस अपडेट को इंस्टॉल करने में वो पहले चेकआउट कर लेते हैं. तो गाइस यहां पे मैं एक स्टॉपवॉच को ले लेता हूं और बिगिन कर लेते हैं इसे और यहां पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे भी टैप कर लेता हूं. और गाइस हम लोग यहाँ पे वाईफाई पे कनेक्टेड है, तो देखते हैं कितना समय लगेगा वैसे इंस्टॉलेशन पर. वैसे तो यहाँ पे 5 to 10 मिनट्स लेना चाहिए, तो एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होगी वो पता ही चल जाएगा. तो गाइज अपडेट यहाँ पे हमारे Nothing Phone 2 में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है. तो गाइज कुछ टाइम यहाँ पे लगा है 11 मिनट्स 56 सेकंड्स, तो इसके अराउंड भी आपको यहाँ पे समय लगने वाला है. तो गाइज Nothing OS 2.5.5 अपडेट यहाँ पे हमारे Nothing Phone 2 में इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है. तो सिंपल क्या करते हैं, फोन को अनलॉक करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं अबाउट फोन में जाकर. तो गाइज फोन यहाँ पे थोड़ा सा गर्म भी हो चुका है इंस्टॉलेशन के वक्त, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी काफी है एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के वक्त भी थोड़ा सा फोन गर्म हो जाता है, तो इतना जरूर आप लोग कंसीडर करना. और गाइज यहाँ पे चलते हैं अबाउट फोन पर एंड गाइज यहाँ पे देखिए Nothing OS 2.5.5 वर्जन देखने को मिल जा रहा है. तो गाइज यहाँ पे देखिए बिल्ड नंबर आपको देखने वाला है एंडिंग में 1248 IND, Nothing Phone 2 का मैं बोल रहा हूँ. उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन देख लेते हैं. तो गाइज यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है, जो पहले वाले अपडेट में था, इसके पहले वाला. उसके बाद गूगल प्ले सिस्टम अपडेट में 1 मार्च 2024 का अपडेट देखने को मिल जाता है. तो उसमें टाइप करके देख लेते हैं कोई अपडेट आया हुआ है या नहीं है. तो गाइज यहाँ पे देखिए 12 MB का अपडेट देखने को मिल जाता है, तो इसे भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ. तो गाइज यहाँ पे गूगल प्ले सिस्टम अपडेट में यहाँ पे मैंने अपडेट कर लिया है. तो गाइज यहाँ पे सेम यहाँ पे डेट देखने को मिल जाती है 1 मार्च 2024 का. तो गाइज फोन को थोड़ा सा यूज करता हूँ और गाइज जो भी यहाँ पे न्यू चेंजेस मेंशन किए गए, तो गाइज 1 by 1 आपको मैं बताता हूँ. अपडेट करने के बाद यहाँ पे मैंने काफी देर तक फोन को यूज किया, लाइक कॉलिंग वगैरह, कैमरा, फोटोज भी लिए हुए जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ. और कोई भी बग यहाँ पे देखने को तो नहीं मिला अभी तक के लिए. तो गाइज चैनलों में जो चीज यहाँ पे मेंशन की गई 1 by 1 सभी चीजें कवर करते हैं. तो गाइज सबसे पहले यहाँ पे देखिए ChatGPT का इंटीग्रेशन हुआ है Nothing OS 2.5.5 में, जो Nothing Phone 2 में आया है अभी के लिए. कुछ दिनों में Nothing Phone 2 के लिए आ जाएगा और Nothing Phone 1 के लिए भी आ जाएगा, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा वेट जरूर कर लेना. तो गाइस यहाँ पे देखिए चैनल में उन्होंने मेंशन किया द फॉलोइंग फीचर आर अवेलेबल विद द लेटेस्ट ChatGPT वर्जन इंस्टॉल फ्रॉम द प्ले स्टोर. तो गाइस सबसे पहले आपको अगर ChatGPT इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज करना है तो गाइस प्ले स्टोर पे चले जाइए एंड ChatGPT का ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लेना. आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे आ जाओगे और इसे इंस्टॉल कर लेना. उसके बाद यहाँ पे आप लोग ChatGPT में साइन अप और लॉग इन जरूर कर लेना, तब जाके वो अच्छे से वर्क करेगा. उसके बाद यहाँ पे देखिए उन्होंने मेंशन किया एडेड अ न्यू गेस्चर ऑप्शन इन Nothing X टू स्टार्ट वॉइस कन्वर्सेशन विद ChatGPT फॉर Nothing Ear एंड Nothing Ear A कमिंग सून टू आवर अदर ऑडियो प्रोडक्ट्स. करंटली ये फीचर Nothing Ear A एंड Nothing Ear में चल रहा है और कुछ दिनों में दूसरे ऑडियो प्रोडक्ट्स लाइक Nothing के जो ईयर 1 है, Nothing Ear 2 है, उसके बाद CMF के जो प्रोडक्ट्स है उनमें भी वर्क होना चालू हो जाएगा. करंटली इसका इंटीग्रेशन उन्होंने Nothing कम्युनिटी अपडेट वाले वीडियो में बताया हुआ था, जिसमें आप देखिए काल पे यहाँ पे खड़े हुए उनके पीछे अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे तो नॉइस कंट्रोल, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन एंड वॉइस AI ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है. उसके नीचे यहाँ पे देखिए ChatGPT और else डिफॉल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है. आप लोग जब यहाँ पे ChatGPT पे सिलेक्ट कर दोगे तो क्या होगा ना, जब आप लोग पिंच एंड होल्ड करोगे तो डायरेक्टली ChatGPT यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा आपके Nothing Ear और Nothing Ear A में और जो भी Nothing का जो प्रोडक्ट है जो TWS ईयरबड है, तो उसमें ये डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि वहीं से वर्क होना चालू हो जाएगा आपके ब्लूटूथ डिवाइस से. तो काफी अच्छा वर्किंग है, इन देखते हैं ये किस तरह आगे जाके वर्क करेगा. तो गाइज आपको ही पता होगा पिंच एंड होल्ड अगर आप लोग करते हो Nothing Ear प्रोडक्ट के साथ तो गाइज वो एक
ट्रिगर बटन जैसा होता है और बोल सकते हो एक्शन बटन होता है, तो वहां पे चैट जीपीटी चालू हो जाएगा। नेक्स्ट कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया है, एडेड अ न्यू चैट जीपीटी विजेट्स टू लॉन्च चैट जीपीटी इन डिफरेंट मोड्स फ्रॉम योर होम स्क्रीन फॉर क्यूकर एक्सेस। तो गाइज यहाँ पे विजेट्स एड ऑन किए गए, तो मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। होम स्क्रीन में चले जाइए और होम स्क्रीन में होल्ड करना है, उसके बाद यहाँ पे विजेट्स पे टैप कर देना है और सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा चैट जीपीटी, तो टैप करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए कुछ दो यहाँ पे विजेट देखने को मिल जा रहे हैं, जिसमें आप देखिए मल्टीपल मोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है चैट जीपीटी का, एंड यहाँ पे सेकंड है सिंगल का। तो गाइज सबसे पहले मल्टीपल को ट्राई कर लेते हैं और इसे प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे देखिए स्क्वायर फॉर्मेट में यहाँ पे प्लेस हो चुका है और इसमें टैप करके देखते हैं डायरेक्टली ये चैट जीपीटी पे लेके आ जा रहा है। इसको बैक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे सेकंड मोड पे चलते हैं। ये गाइज वॉइस वाला मोड है, यानी कि वॉइस कॉल है चैट जीपीटी के साथ। तो गाइज जैसे ही मैं इस पे टाइप करूंगा तो यहाँ पे वॉइस कॉल कनेक्ट हो जाएगा। गाइज यहाँ पे देखिए लिसनिंग, मैं पूछूंगा व्हाट आर यू, किस प्रकार मदद कर सकता। ओके इसने बोला आपकी किस प्रकार मदद कर सकते हैं, हिंदी में रिप्लाई किया, उसके लगा मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। मिनिमाइज करते हैं। थर्ड मोड यहाँ पे देखिए, इसका एक आई मोड है, यानी कि अगर आप लोग कोई भी स्क्रीनशॉट लेते हो और सबमिट करते हो चैट जीपीटी में, उससे आप लोग क्वेश्चन भी पूछ पाओगे। अभी करेंटली ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, मैंने ट्राई आउट भी किया था, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ तो गाइज ये डायरेक्टली यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेके जा रहा है। फीचर नॉट अवेलेबल फॉर फ्री यूजर्स, तो इसके लिए आपको चैट जीपीटी का जो है 4.0 वाला वर्जन लगेगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे इमेज भी अपलोड करके चैट जीपीटी से इमेज के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो, उससे आप लोग टेक्स्ट निकाल सकते हो, एक इमेज सबमिट करते हो फोटो खींच करके, यार ये पर्सन क्या कर रहा है उस इमेज में और इस इमेज कैसी निकल के आई है, तो आपको यहाँ पे चैट जीपीटी का प्लस वाला वर्जन लेना पड़ेगा इसके लिए। तो काफी अच्छा यहाँ पे विजेट देखने को मिल जा रहा है। अब यहाँ पे दूसरा वाला जो है इसका मोड है वो भी चेकआउट कर लेते हैं, इसका जो दूसरा यहाँ पे विजेट है वो भी चेकआउट कर लेते हैं। तो चैट जीपीटी में फिर से चलते हैं और गाइज यहाँ पे देखिए सिंगल मोड है, इसे यहाँ पे प्लेस करते हैं और गाइज यहाँ पे देखिए सिलेक्ट एन इनपुट टाइप, यहाँ पे वॉइस है, टेक्स्ट है एंड इमेज है, तो यहाँ पे आपको कौन सा वाला चाहिए वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, वॉइस वाला कर देता हूँ। तो वॉइस वाला अगर यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है और इसे अगर यहाँ पे मैं नीचे करूँ, इसका साइज हम लोग छोटा कर सकते हैं नहीं कर सकते देख लेते हैं, हम लोग बैक करते हैं और इसको छोटा करने का ट्राई करते हैं। हाँ गाइज ये हम लोग यहाँ पे इसे छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग इतना भी प्लेस करके यहाँ पे इसे यूज कर पा सकते हैं। जैसे सिंपल आप लोग इस पे टैप करोगे तो गाइज यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा चैट जीपीटी के वॉइस कन्वर्सेशन फीचर के साथ। नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया, एडेड अ बटन ऑन द स्क्रीनशॉट एंड क्लिपबोर्ड पॉपअप टू डायरेक्टली पेस्ट द कंटेंट टू अ न्यू कन्वर्सेशन इन चैट जीपीटी। तो गाइज ये वाला जो उन्होंने मेंशन किया है, तो क्या करते हैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेते हैं ये सभी एप्लीकेशंस का, ये लिया और गाइज यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है यहाँ पे फोर्थ, पहले यहाँ पे तीन ही थे, अब यहाँ पे एक और एड ऑन कर दिया गया, जो आई बटन था ना जो हमने यहाँ पे विजेट में देखा, तो वो चीज यहाँ पे सेम एड ऑन कर दी गई है। तो यहाँ पे क्या करते हैं उस पर फिर से टैप करेंगे, तो गाइज टैप जैसे मैं यहाँ पे करूंगा ये डायरेक्टली यहाँ पे सबमिट होकर चैट जीपीटी में आ जाएगा। गाइज यहाँ पे देखिए बोले जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे है यहाँ पे आ गया, बट ये वाला है ना यहाँ पे हमको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा लाइक चैट जीपीटी का प्लस वर्जन वाला, तब ये जाके आप लोग को इमेज के बारे में बता सकता है, इमेज के बारे में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो और एल्स उसे जो भी डेटा निकालना है इमेज से वो भी निकाल सकते हो। अभी करेंटली हम लोग चीज नहीं कर सकते, आप लोग यहाँ पे इनपुट देना है कि सिंपल की लिस्ट डाउन ऑल ऐप नेम्स फ्रॉम द स्क्रीनशॉट। अगर मेरे पास यहाँ पे पेड वर्जन होता ना तो गाइज सभी जो ऐप मेंशन है स्क्रीनशॉट में, सपोज लाइक एयरटेल हो गया, 1.1 हो गया, एंड्रॉइड बेंचमार्क, बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया, उसके बाद और भी क्लॉक, गूगल क्रोम, सभी यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाते हैं। अभी गाइज यहाँ पे देखिए उसने आंसर भी दे दिया, आई एम सॉरी बट आई कांट सी इमेजेस, कुड यू डिस्क्राइब द एप्स इन द स्क्रीनशॉट सो आई कैन आइडेंटिफाई देम इजीली। तो अभी करेंटली ये प्लस वर्जन में सपोर्ट करता है, तो गाइज आपको चैट जीपीटी का प्लस वर्जन लेना पड़ेगा स्पेशली इस ऑप्शन के लिए। तो गाइज काफी लोग नहीं लेंगे, काफी लोग लेंगे एंड काफी लोग यूज भी करते हैं चैट जीपीटी का प्लस वर्जन, मुझे भी इतना पता है। जो भी चैट जीपीटी यूज करता है उसके लिए काफी बढ़िया अपडेट निकल के आ रहा है, कुछ दिन में नथिंग फोन 1 एंड नथिंग फोन 2 में भी आ जाएगा। अभी करंटली ये वाला जो फीचर है नथिंग फोन 2 में वर्क कर रहा है, इतना जरूर ध्यान रखना। तो गाइस नेक्स्ट कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया है मोर फीचर्स और उसमें यहाँ पे देखिए कैमरा नाउ सपोर्ट्स अल्ट्रा एक्सजीआर टू सेट हेड टू कैमरा सेटिंग्स एंड अल्ट्रा एक्सजीआर। तो चलते हैं यहाँ पे कैमरा में, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाना है थ्री डॉट्स बटन पे एंड गाइस यहाँ पे सेटिंग्स में टैप कर देना है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे तो गाइस अल्ट्रा एक्सजीआर का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। तो गाइज यहाँ पे देखिए अगर आप लोग ऑफ रखते हो ना तो गाइज कुछ यहाँ पे जो इमेज है ना उसका लाइक हाईलाइटेड वर्जन नहीं दिखेगा, जब आप लोग ऑन कर लोगे ना हाईलाइटेड वर्जन, यानी कि जो एचडीआर फोटोज होते हैं ना उसमें क्या हो जाता है ना ब्राइटनेस इंप्रूव होकर रियलिस्टिक व्यू देखने को मिल जाता है,
तो आप लोग इसे ऑन करके रख दीजिए। जब भी आप लोग फोटो जब खींचोगे और इसे ओपन करोगे ना, तो फोटो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। मैंने ट्राई आउट भी कर लिया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ इस बारे में। अच्छा फीचर लगा वैसे मुझे अल्ट्रा XDR का। कंपनी ने इसके बारे में मेंशन किया था आज के वीडियो में, लाइक नथिंग कम्युनिटी अपडेट वीडियो में, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। जो कम्युनिटी अपडेट वीडियो लाइक लाइव हुआ था, तो गाइस उन्होंने यहाँ पे इस चीज का नाम रखा था टू लेंस इंजन नाउ ऑन फोन 2। उसमें आप देखिए अल्ट्रा XDR P3 कलर एंड मोर ट्रू टू लाइव फोटोज के बारे में उन्होंने मेंशन किया, यानी कि अल्ट्रा XDR के बारे में मेंशन किया गया। यहाँ पे मेंशन किया गया विद इन द कैमरा ऐप फोटो एंड पोर्ट्रेट मोड्स नाउ फीचर HDR स्विच एक्टिवेट और डीएक्टिवेट वाय द सेटिंग्स एट द टॉप। तो गाइज आप लोग अगर आप लोग यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन में चले जाओगे तो गाइज यहाँ पे देखिए HDR का स्विच ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, ये ऑफ है। अब यहाँ पे अगर आप लोग टैप करोगे इस पे तो गाइज यहाँ पे HDR ऑल है, फोटोज यहाँ पे ऑन हो गए। उसके बाद अगर मैं एक और बार टैप करूंगा तो गाइज अल्ट्रा HDR का ऑप्शन भी इनेबल हो चुका है। सिमिलर यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में भी ये वर्क करता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे डिसेबल कर दोगे कुछ डिसेबल को कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जब इस पर टैप करो देखें नॉर्मल HDR में यहाँ पे देखिए कट वाला लाइन थी ना वो हट चुकी है। तो गाइज अब ये HDR में फोटो निकालेगा। अगर आपको अल्ट्रा HDR फोटो चाहिए तो गाइज इसे यहाँ पे एक और बार टैप कर देना, जिसमें क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे देखिए एक रेड डॉट जैसा बटन आ जाएगा HDR पे। तो ये वाले जो मोड है यहाँ पे फोटो वाले मोड में भी मिल जाएगा, आपको पोर्ट्रेट मोड में भी मिल जाएगा, इस बारे में कंपनी ने मेंशन किया हुआ है। तो गाइज ये जो यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं नथिंग कंपनी की तरफ से, लाइक अल्ट्रा XDR ऑप्शन यहाँ पे ले आया गया है, उसके बाद यहाँ पे HDR स्विच का ऑप्शन यहाँ पे ले आया गया है, ये फोटोज में कितना यहाँ पे इंप्रूवमेंट लाया हुआ है वो पता नहीं, बट यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज लिए हुए हैं तो आप लोग उनको चेकआउट कर लीजिए। और भी डिटेल में वीडियो बाद में कर लेंगे, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताने कि आपको फोटोज किस तरह देखने को मिली। वैसे मैंने ये इवनिंग के टाइम में यहाँ पे कैप्चर किए थे वैसे, और मैं अकेला था यार, मेरे भाई भी नहीं था, तो यार मैंने खुद से ही यहाँ पे फोटोज खींचने का ट्राई किया हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया एडेड रैम बूस्टर फीचर टू सेट हिट टू सेटिंग सिस्टम एंड रैम बूस्टर। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे एक चीज बता दूं, आपके नथिंग फोन 2 अगर आपके पास होगा, मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि 12GB वाला वेरिएंट सभी के पास होगा। अगर 8GB वाला वेरिएंट है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ गाइस ये रैम बूस्टर वाला जो फीचर है यूज मत करना। स्टिल मैं आपको बता देता हूँ इसे कैसे ऑन करना है और इसे कैसे बंद करना है, ठीक है? अगर आप लोग यूज भी कर रहे हो नथिंग फोन 2 में, अगर ऑन है ना तो गाइस बंद जरूर कर देना। तो गाइस सेटिंग्स में चले जाइए, उसके बाद यहाँ पे सिस्टम पे चले जाइए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे रैम बूस्टर में चले जाइए। ये पहले नहीं था नथिंग फोन 2 में, अभी आ चुका है। तो कैसे गाइस ये डिफॉल्ट जब एनेबल हो जाएगा ना तो गाइस इसे ऑफ जरूर कर देना। तो गाइस यहाँ पे क्या ये बोलेगा कि द डिवाइस इज अबाउट टू रिबूट टू अप्लाई चेंजेस, रिबूट नाउ पे हम लोग टैप कर देते हैं। गाइस नेक्स्ट कंपनी ने यहाँ पे ऐड किया है नथिंग फोन 2 में एडेड अ रिंग मोड ऑप्शन इन क्विक सेटिंग्स फॉर इजियर एंड साउंड मैनेजमेंट। तो गाइज इसको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल को नीचे लेना है, और एस बोल सकते हो क्विक सेटिंग्स पैनल को। तो गाइज यहाँ पे आपको एडिट पे टैप कर देना है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। तो गाइज यहाँ पे देखिए रिंग मोड का क्विक सेटिंग टाइल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इसे होल्ड करके यहाँ पे ऊपर साइड ले आना है, जहां भी आपको इसे प्लेस करना है वहां पे प्लेस कर देना, सेव कर देना बैक बटन से, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे रिंग मोड वाला जो क्विक सेटिंग डायल है यहाँ पे आ चुका है, लेफ्ट साइड स्वाइप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे रिंग मोड देखने को मिल जाएगा। आप लोग क्विक सेटिंग से यहाँ पे आप लोग अपना फोन को साइलेंट कर पाओगे और इस रिंग मोड में सेट कर पाओगे। जैसे मैं टाइप करूंगा तो गाइस ये वाइब्रेट पे चला गया, उसके बाद यहाँ पे म्यूट पे चला गया, उसके बाद यहाँ पे रिंग मोड पे आ चुका है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये क्विक सेटिंग डायल वर्क करता है एंड काफी इजियर टू यूज हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद नथिंग कंपनी यहाँ पे मेंशन किया एडेड अ न्यू रिकॉर्डर विजेट फॉर एफर्टलेस ऑडियो एंड रिकॉर्डिंग ऑन द गो। तो गाइज यहाँ पे रिकॉर्डिंग विजेट के बारे में मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो भी बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वैसे आपको कैसे ऐड करना है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों में। होल्ड करते हैं होम स्क्रीन पे एंड विजेट पे टैप करते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे रिकॉर्डर विजेट देखने को मिल जाएगा डाउन साइड में। और यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे इसे होल्ड करके यहाँ पे प्लेस कर देना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछेगा, आपको यहाँ पे चूज करना है माइक वाला रिकॉर्डर विजेट और इस यहाँ पे माइक एंड सिस्टम में। गाइस माइक वाला अगर आप लोग रिकॉर्डर विजेट प्लेस करोगे जिसमें आप मैं जो भी बोल रहा हूँ वो वाला यहाँ पे आवाज रिकॉर्ड होगा, उसके बाद आप लोग माइक एंड सिस्टम वाला करोगे तो गाइस माइक वाला जो भी रिकॉर्ड होगा उधर से यहाँ पे सिस्टम में जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे म्यूजिक प्ले कर रहा है और इस आप लोग कॉल पे हो तो वो वाला विजेट यहाँ पे आप लोग प्लेस कर सकते हो। तो गाइस दोनों को प्लेस कर देते हैं, तो सबसे वाले पहले पे टैप कर देते हैं,
कुछ इस तरह का ये देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक और विजेट आता है जिसमें यहाँ पे माइकन सिस्टम वाला है, उसको भी प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा माइकन सिस्टम में। यहाँ पे देखिए तीन लाइन देखने को मिल जाएगा और इस बोल सकते हो वेवफॉर्म जैसे यहाँ पे सिंबल देखने को मिल जाता है। जब भी इसको आप लोग चालू करोगे ना तो गाइस यहाँ पे देखिए आप लोग को फर्स्ट टाइम कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन एनेबल करने को बोलेगा, अलाउ अलाउ पे टैप कर देना। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक एनिमेशन आता है और गाइस यहाँ पे देखिए एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है। जो भी यहाँ पे मैं चीज बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ पे सिस्टम में यानी कि फोन पे जो भी वॉल्यूम चल रही है और कॉल चल रहा है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, वो जरूर चेकआउट कर लेना। तो इसे बंद करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेव जैसा यहाँ पे लिख कर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन काफी कूल है यार, मुझे काफी अच्छा लगा। और ये जाके सेव हो जाएगा आपके रिकॉर्डर एप्लीकेशन पे, जो है नथिंग का स्पेशल जो रिकॉर्डर एप्लीकेशन आता है ना उसमें। तो रिकॉर्डर यहाँ पे आप लोग सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे थ्री लाइन देखने को मिल जाता है, इसमें यहाँ पे आ जाइए। उसके बाद जो भी आप लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्डिंग की है तो गाइज यहाँ पे सेव हो जाएगी। इसको प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक एनिमेशन आता है और गाइज यहाँ पे देखिए टाइमर स्टार्ट। ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे आवाज आ रही है। ठीक है, तो आप लोग इसे ट्राई आउट जरूर करना आपके नथिंग फोन टू में। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको रिकॉर्डर विजेट कैसे लगा। वैसे नेक्स्ट कंपनी ने यहाँ पे एक और विजेट ऐड किया है, ये पहले हमने यहाँ पे नथिंग फोन टू है नथिंग फोन में देख लिया। तो गाइज यहाँ पे देखिए इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू बैटरी विजेट टू मॉनिटर पावर एंड यूसेज मोर इफिशियंटली। तो गाइज ये वाला जो है ना, इसको यहाँ पे नथिंग विजेट्स के ऐप के थ्रू भी पुश कर दिया गया था। तो आप लोग को क्या करना है, विजेट्स पे चले जाइए एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको बैटरी सेक्शन देखने को मिल जाएगा टॉप साइड में। तो यहाँ पे आप लोग इस पर टैप करना है, उसके बाद यहाँ पे होल्ड करना है इसे। यहाँ पे एक मल्टीपल का भी ऑप्शन, एक सिंगल वाला भी है, तो मैं पहले मल्टीपल वाला दिखा देता हूँ। यहाँ कहीं से यहाँ पे देखिए परमिशन नीडेड बोल रहे हैं, तो सिंपली हम लोग इस पर टैप करते हैं, अलाउ करते हैं। और यहाँ पे देखिए फोन का जो बैटरी लेवल है वो देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पे नथिंग ईयर स्टिक भी कनेक्टेड है मेरे फोन पे, तो उसका भी बैटरी लेवल देखने को मिल जा रहा है, काफी कूल है। और गाइज यहाँ पे देखिए जो केस है नथिंग ईयर स्टिक का, उसके बैटरी लेवल यहाँ पे देखिए काफी कम देखने को मिल जा रही है। बाकी नथिंग ईयर के जो ये बड्स है ना वो काफी फुल चार्ज यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। तो काफी अच्छा लगा मुझे इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे सिंगल मोड भी देखने को मिल जाता है, जो काफी वियर्ड कभी कभी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं इसमें कि मैं एक पर्टिकुलर सिलेक्ट नहीं कर पाता। तो टाइप करते हैं और सिंगल वाले को भी प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या सिंगल में यहाँ पे देखिए नथिंग ईयर स्टिक यहाँ पे अपने आप जो बर्ड्स हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे एक ऑप्शन देना चाहिए कि कौन सा मुझे सिलेक्ट करना है, या फोन चूज करना है और एल्स ये चूज करना है। जो सेकंड डिवाइस होता है ना वो हमेशा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो बैटरी विजेट भी काफी कूल देखने को मिल जा रहा है नथिंग फोन टू में। उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया है एडेड ग्लिफ इंटरफेस डीबग मोड टू डेवलपर ऑप्शंस। तो गाइज आपको ही पता होगा नथिंग कंपनी ने कुछ दिनों पहले यहाँ पे डेवलपर किट भी अनाउंस किया था अलॉन्ग साइड नथिंग फोन टू वे के। तो गाइज आप लोग यहाँ पे नथिंग फोन लाइक नथिंग फोन में आपको भी पता होगा हमारे जो ग्लिफ इंटरफेस है उसमें काफी यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज आप लोग आप क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्टी डेवलपर्स अपने खुद की एप्लीकेशन बना के इंटीग्रेट कर सकते हैं उन एप्लीकेशन को लाइट के साथ, ग्लिफ लाइट्स के साथ। तो उसी के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक ग्लिफ इंटरफेस डीबग मोड भी दे दिया जो आपको डेवलपर ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे चले आना है डेवलपर ऑप्शन में और गाइज आपको सिंपल आपके यहाँ पे एनेबल कर लेना है जो भी यहाँ पे ग्लिफ इंटरफेस का डीबग मोड यहाँ पे एनेबल करना चाहता है। उसके बाद कंपनी ने काफी चीजें मेंशन की है लाइक रिलेटेड टू बग फिक्सेस, तो मैं फन वन बाय वन पढ़ लेता हूँ। ऑलरेडी ये चीजें हमने यहाँ पे नथिंग फोन वन एंड नथिंग फोन टू में ये सभी बग फिक्सेस देख रखे हैं, तो देख लेते हैं। इनहांस सिस्टम स्टेबिलिटी, एनएफसी फंक्शनलिटी, वाईफाई कनेक्शन स्टेबिलिटी। तो गाइज नथिंग फोन टू में अभी तक के लिए कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आया नेटवर्क रिलेटेड, अभी तक नहीं आया, सीरियसली बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया ऑप्टिमाइज एनिमेशन फॉर स्मूदर विजेट ऐप एंड ओपनिंग्स। तो गाइज ये वाला जो चेंज लॉग है ना, ये चीजें मैंने ऑलरेडी नथिंग फोन वन उनमें देख रखा है। उसके बाद यहाँ पे इम्प्रूव रिस्पॉन्स स्पीड वेन सेटिंग ब्लूटूथ इन क्विक सेटिंग्स, ऑप्टिमाइज वॉल्यूम सेटिंग टू मेक इंटरेक्शन मोर इंटरटिव। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया इम्प्रूव द क्लैरिटी ऑफ एल्बम कवर डिस्प्ले इन द म्यूजिक प्लेयर विजेट। नेक्स्ट कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया है फिक्स एक्सपीरियंस इश्यूज व्हेन स्विचिंग सिम कार्ड्स विद द डेटा ड्यूरिंग कॉल फीचर एनेबल्ड। तो गाइज यहाँ पे जब भी आप लोग सिम कार्ड में डेटा स्विच करते थे ना तो उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है ड्यूरिंग कॉल, तो अभी यहाँ पे ये चीज को फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया रिजॉल्व फ्लिकरिंग व्हेन लॉन्चिंग एप्स फ्रॉम क्विक सेटिंग ऑन द लॉक स्क्रीन। तो कभी कभी फ्लिकरिंग इश्यूज आते थे तो उस बारे में उन्होंने मेंशन किया, ये भी चीज यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया रिजॉल्व फ्लिकरिंग इश्यूज ऑन द एओडी इंटरफेस, यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जब भी आप लोग यूज करते थे वहां पे भी फ्लिकरिंग आती थी, वो भी फिक्स हो चुका है। उसके बाद मेंशन किया एड्रेस द डिसअपीयरेंस ऑफ द लॉक स्क्रीन विजेट्स आफ्टर एंडिंग स्क्रीन शेयर इन सर्टेन सिनेरियोस। तो कभी कभी क्या होता था लॉक स्क्रीन विजेट्स गायब हो जाते थे जब भी आप लोग स्क्रीन शेयर यूज करते थे, तो अब वो यहाँ पे फिक्स हो चुका है। एड्रेस एंड एबनॉर्मल लॉक स्क्रीन वॉलपेपर डिस्प्ले व्हेन स्वाइपिंग इट टू अनलॉक इज इंटरप्टेड। ये चीज मैंने तो नहीं नोटिस किया बट नथिंग ने यहाँ पे मेंशन किया, कोई ना कोई रीजन तो होगा। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया फिक्स्ड अ विजेट डिस्प्ले इशू विच शोड ब्लूटूथ एज बीइंग ऑफ व्हेन अ वॉच वॉज कनेक्टेड। तो विजेट डिस्प्ले कभी कभी वर्क नहीं करता था जब भी आप लोग ब्लूटूथ यूज करते थे लाइक वॉच के साथ, तो ये वाला भी यहाँ पे चीज फिक्स हो गई है। नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया रिजॉल्व फ्रीक्वेंट रिफ्रेशिंग फ्लिकरिंग व्हेन वाईफाई इन द क्विक सेटिंग विजेट्स।
तो ये भी कभी कभी क्या होता था कि लाइक वाईफाई में कभी कभी ना रिफ्रेश नहीं होता था क्विक सेटिंग विजेट में। तो अब यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि फिक्स हो चुका है, तो ये चीज़ मुझे चेकआउट करनी पड़ेगी क्योंकि यार मैं फोन यूज करते रहता हूँ तो ये चीज़ मैं अभी तक नोटिस नहीं की, क्योंकि काफ़ी चीज़ यहाँ पे एक बार ही में मेंशन कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने अगर रिफ्रेश किया होगा वाईफाई रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना। अदर बग फिक्सेस एंड परफॉर्मेंस एनहांसमेंट्स, तो गाइस अदर बग फिक्सेस भी उन्होंने मेंशन नहीं किए हुए हैं, उसके बाद बोल दिया कि अदर बग फिक्सेस भी किए हुए हैं उन्होंने और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट भी किया हुआ है। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, बेंचमार्क का एक वीडियो अलग कर लेंगे जिसमें हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे पुराने वाले अपडेट्स से कि कितना परफॉर्मेंस बेंचमार्क में इंप्रूवमेंट हुई है और डिग्रेड हुआ है। और बात करते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि बैटरी का लाइक बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम देखने को मिलता है नथिंग फोन 2 में। अभी तक के लिए तो ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ तो नहीं हुआ है, तो अभी क्या कर लिया मैंने सिम कार्ड यहाँ पे नथिंग फोन 2 में डाल लिया, इसके पहले नथिंग फोन 2 में था। तो अब वापस हम लोग यहाँ पे नथिंग फोन 2 को यूज करके देखते हैं तो थोड़ी सी चेकआउट हो जाएगा, लाइक पूरा रात यूज करूंगा, कल भी यूज करूंगा तो बैटरी ड्रेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी देख लूंगा। वैसे मैंने देखा है सब यूजर्स को भी पूछा लाइव स्ट्रीम में आज के वाले में पूछा कि दैट आपको स्क्रीन ऑन टाइम कितना मिल रहा है, तो लोग बोल रहे हैं 5 to 6 hours, 6 hours या 7 hours, तो इतना तो इनफ है यार लाइक आपका जो स्क्रीन ऑन टाइम है। और रही बात अदर चीजों की तो मुझे कमेंट में बताना अगर आप लोग को यहाँ पे फेस कर रहे हो इशू आपके फोन 2 के साथ। वैसे अपडेट यहाँ पे काफी चीजें लेकर आया है, लाइक काफी इंप्रूवमेंट किया हुआ है और ऐसे यहाँ पे आपको भी पता है चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन काफी मजेदार है, आप लोग जरूर ट्राई करना। अगर आपके पास प्लस वर्जन है तो गाइज आपको और मजा आ जाएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग इमेज भी सबमिट कर पाओगे आपके फोन से ही डायरेक्टली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जो करना, शेयर जो करना, कमेंट करना। अगर आप कुछ क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड टू नथिंग फोन 2 या नथिंग फोन 1 या नथिंग फोन 2 है तो मिलते हैं वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। This the new wave, turn it up. I'm in the backseat chilling with your girl, what's up? She wanna talk all day, but I'm not in the mood. I'm trying to dance all night, I got something to do. I make hits for the people at home in the rooms, looking for a reason to get out of it soon.